अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो टॉपिक है वो बायोलॉजी 10th क्लास में है। तो इसमें हम बात करेंगे फ़्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम की। तो पहली बात ये कि बेसिकली तौर पर ये मटेरियल है या जो एनर्जी है ये एक इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली फ़्लो क्यों कर रही होती है और किस तरह से फ़्लो करती है, इसका बेनिफिट क्या होता है। तो याद रख लीजिएगा, इकोसिस्टम जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इस एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है वो बेसिकली क्या है कि जो मटेरियल है या जो एनर्जी होती है उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाता है। अब बेसिकली तौर पर मटेरियल क्या है जो इसके अंदर चीज़ मूव करवाई जा रही है, वो मटेरियल है। तो मटेरियल के अंदर हम जो बात कर रहे होते हैं वो फूड की है कि फूड जो से होती है वो एक सिंगल ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट अदर ट्रॉफिक लेवल तक जाती है। ठीक है, एक सिंगल ट्रॉफिक लेवल से जो नेक्स्ट अदर ट्रॉफिक लेवल है उस लेवल में ये फूड मूव कर रही होती है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात कि जो बेसिकली तौर पर एनर्जी है ये भी क्या होती है, ये भी इसी तरह से एनर्जी ये भी मूव करती है वन लेवल टू अनदर लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल तक ये भी ट्रांसमिट हो रही होती है। अब ये किस तरह से होती है हम उसकी बात करते हैं। चलें सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। देखिए एक बात याद रखिएगा, एनर्जी जब एक ट्रॉफिक लेवल से, एनर्जी जो सी है वो जब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक आती है तो एनर्जी हमेशा इक्वल जो क्वांटिटी है उसी में नहीं आती। एक ट्रॉफिक लेवल है, इससे एनर्जी पास हो गए, जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाएगी तो वो चेंज हो जाएगी। और डायनामिक्स लॉ के मुताबिक एनर्जी जो से होती है ना तो बनाई जा सकती है, नॉर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये ना तो बनती है और ना ही तबाह होती है, बल्कि ये जो एनर्जी होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब ये किस तरह से चेंज होती है हम उसकी बात करेंगे। तो एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो सूरज है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो बेसिकली क्या है, सूरज, जिसको हम कहते हैं लाइट एनर्जी। सूरज से जो बेसिकली एनर्जी आ रही होती है उसे हम लाइट एनर्जी कह रहे हैं। अब लाइट एनर्जी जो से होती है, यानी कि सूरज से जो लाइट एनर्जी आ रही है वो अगर 100% आ रही होती है तो पौधों के ऊपर जो सी हैं या जो पौधे होते हैं वो सिर्फ 1% एनर्जी रिसीव करते हैं, बाकी जितनी भी एनर्जी होती है वो माहौल में डेसिपेट हो जाती है। किस तरह से, चलें इसकी एक फ्लो शीट बना लेते हैं। ये हमारे पास एक फ्लो शीट है जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी और सेकेंडरी से फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। अब जब प्रोड्यूसर्स के ऊपर की आती हैं, ये सूरज की वेव आती हैं, ये लाइट आती है। अब लाइट यहाँ पर कितने परसेंट आ रही है, 100% आ रही है, लेकिन पौधे जो लाइट रिसीव करते हैं वो सिर्फ क्या होती है, 1%, बाकी लाइट माहौल के अंदर ज़ाया हो जाती है।
फ़र्ज़ कर लें प्रोड्यूसर ने इस 1% लाइट का इस्तेमाल करके अपने बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर जो एनर्जी स्टोर की है वो 20,000 किलो कैलोरी है, 20,000 किलो कैलोरी। अब इस प्रोड्यूसर को कोई प्राइमरी कंज्यूमर खा लेता है, जिसकी बुनियाद पर क्या होता है, माहौल के अंदर एनर्जी जो होती है इनकी कुछ ना कुछ हीट जो होती है वो ज़ाया हो जाती है, बाकी एनर्जी जो होती है वो कितने परसेंट आगे जाती है उसके लिहाज से हम बात करेंगे 10% रूल की। यहाँ पर आप 10% रूल अप्लाई करोगे। अब आप ऐसा करें कि 20,000 इसके ऊपर 10% रूल अप्लाई कर दें। अब सिर्फ आगे कितनी, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर इनकी बॉडी का जो हिस्सा बनेगी एनर्जी वो सिर्फ कितनी बनेगी, 2,000 किलो कैलोरी। बाकी जो उनसे होगी वो माहौल में ऐसा हीट डेसिपेट हो जाएगी। फिर इसी तरह इस 2000 के ऊपर 10% का रूल अप्लाई कर लें तो आगे कितनी जाएगी, 200 किलो कैलोरी। बाकी जो उनसे होगी वो किधर चले जाएगी, माहौल में डेसिपेट हो जाएगी हीट की फॉर्म में। फिर इसी तरह लास्ट पे बात कर लें, यहाँ से भी क्या होगा, माहौल में डेसिपेट हो जाएगी और आगे जो उनसे जाएगी वो सिर्फ कितने, 200 मल्टीप्लाइड ये आ जाएगा सिर्फ 20 किलो कैलोरी जो उनकी होगी वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। तो बात कहने की ये कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक की हम बात करते हैं तो हीट माहौल में डेसिपेट हो जाती है, तो वो जो हीट माहौल में डेसिपेट हो जाती है तो उसकी बुनियाद पर क्या होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट ट्रांसमिट हो रही होती है, सेम ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है। तो ये एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम है जो कंटिन्यूसली तौर पर प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी आती है, लेकिन जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर अटैक कर सकते हैं, वो यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, किसी भी लेवल पर आ सकते हैं। तो ये दो मेन पॉइंट हैं, एक तो ये कि कंटिन्यूसली एनर्जी फ्लो करती है और दूसरी बात ये कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर अटैक करके वहाँ से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है हमारे पास वो है फ्लो ऑफ मटीरियल इन एन इकोसिस्टम। देखिए मटीरियल में हम बात करेंगे किसकी, फूड की, कि जो फूड होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक किस तरह से मूव करती है। तो फूड के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होती है क्या, फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन, व्हेन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को फूड लेवल भी कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन लीनियर स्टेट इज कॉल्ड फूड चेन। सपोज कैसे, एग्जांपल ले लें, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ग्रास होपर है, चलें ग्रास लगा लें, फिर आता है ग्रास होपर, घास का टिड्डा, ग्रास होपर के बाद आ जाता है फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आता है स्नेक, स्नेक के बाद आ जाता है ईगल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, ईगल डिपेंडेंट होता है स्नेक पे, स्नेक डिपेंडेंट फ्रॉग, फ्रॉग डिपेंडेंट होपर, होपर डिपेंडेंट फ्रॉग घास, ये ग्रास के ऊपर जो उनसे होते हैं ये डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से चल रही होती है। जब ये स्ट्रक्चर इस तरह से चलती है तो हम ये कहते हैं ये क्या लगे हुए, ये ट्रॉफिक लेवल लगे हुए। हर फूड लेवल दूसरे फूड लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी बुनियाद पर क्या होती है, एक कंटिन्यूसली तौर पर चेन चल पड़ती है, हम इस चीज़ को नाम देते हैं फूड चेन का। इस फूड चेन की टाइप्स होती हैं, यहाँ पर इनकी दो टाइप होती हैं, एक फूड चेन जो उनसे होती है वो कहलाती है हर्बीवर फूड चेन, और दूसरी फूड चेन कहलाती है डेट्रिटस फूड चेन। ये दो फूड चेन होती हैं, एक हर्बीवर फूड चेन होती है और एक डेट्रिटस फूड चेन होती है। अगला हमारा टॉपिक है फूड वेब
व्हाट इज फूड वेब? वेब जाल को कहते हैं व्हेन डिफरेंट फूड चेन इंटरकनेक्टेड देन दे फॉर्म अ फूड वेब। किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए फूड वेब का होना बहुत लाजम होता है। सपोज किस तरह से, अब हमारे पास दरमियान में आ गई ग्रास, यहां पर होपर, रैबिट, स्नेक, फ्रॉग, फॉक्स, ये हमारे पास चीजें आ गई। ग्रास होपर जिस चीज पे डिपेंड करता है वो ग्रास होती है। रैबिट भी ग्रास खाते हैं, स्नेक डिपेंडेंट होता है रैबिट पे, स्नेक डिपेंडेंट होता है फ्रॉग पे, फॉक्स जो से होती है वो स्नेक के ऊपर डिपेंडेंट होती है, फॉक्स जो से होती है वो आगे रैबिट पे डिपेंड कर रही होती है। तो इस तरह से ये मिलकर क्या प्रिपेयर्ड हो जाता है, ये बेसिकली तौर पर एक जाल बन जाता है जिसे हम नाम देते हैं फूड वेब का। तो इकोसिस्टम को, माहौल को स्टेबल करने के लिए ये दो स्ट्रक्चर का होना लाजम होता है, और हर एक चीज़ की जो होती है वो बेस होती है। जो भी बेस होती है उसे हम नाम देते हैं प्रोड्यूसर्स का। तो ये बेस हैं जिन्हें हम ग्रास के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें फ्लो ऑफ मटीरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे।